सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। शरद पवार ने घाट कोपार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुभवहीन मूर्तिकार को चुनना गलत फैसला था। भाजपा ने घाटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शरद पवार ने घाट कोपार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रगामपा के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि विपक्ष महाराष्ट्र में अगले 2 महीनों में महायुति सरकार को सत्ता से हटाने और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर नई सरकार बनने तक शांत नहीं बैठेगा। मुंबई के घाट गोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने का घटना को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता में बैठे लोगों की शिवाजी महाराज में कोई आस्था नहीं है। पवार ने कहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आप अपनी एकता दिखाते हैं तो हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि अगले 2 महीनों में महाराष्ट्र में सरकार नहीं बदल जाती और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर लोगों के हितों की रक्षा करने वाली एक नई सरकार नहीं बन जाती। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। अनुभवहीन मूर्तिकार को चुनना गलत फैसला था। मुंबई केंद्रीय मंत्री और NDA के सहयोगी रामदास आठवले ने रविवार को कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण का काम एक अनुभवहीन मूर्तिकार को सौंपना गलत फैसला था। उन्होंने यह बात तटीय सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने की घटना के कुछ दिनों बाद कही है। मालवन तालुका में किले का दौरा करने के बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने घटना की विस्तृत जांच की मांग की। आडोरे ने कहा, अनुभवी मूर्तिकारों की कोई कमी नहीं है, फिर एक नौसिखिए को जिम्मेदारी क्यों दी गई। इस घटना को असंभव बताते हुए उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग और नौसेना के संबंधित अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। यही बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा ने अघाड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया। अघाड़ी के जूते मारो आंदोलन के समांतरण भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुंबई, नागपुर, छत्रपति, संभाजीनगर और अकोला समेत अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। छत्रपति संभाजीनगर में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलन का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर प्रतिमा ढहने संबंधित घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में कहा, महाराष्ट्र के लोगों ने उन्हें 2 साल पहले उनकी जगह दिखा दी थी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्रेस कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइक भी दे सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार।